चलिए आज अलजेब्रा चालू कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कहता है, यदि एक्स प्लस वाई बराबर 12 हो तो एक्स गुने वाई का अधिकतम मान क्या होगा। पहला लिख देते हैं, अधिकतम मान क्या होगा, छोटा बोर्ड है ना। पहला ऑप्शन है ए में 36 है, बी में 25 है, सी में 49 और डी में है 64। मारिए कौन होगा, बन गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जोड़ के दिया हुआ है एक्स प्लस यानी वाई बराबर 12 दिया हुआ है। ऐसा दो अंक सोचिए कि जोड़ला पर 12 हो जाए। तो ध्यान दीजिए, 5 2 कितना होता है 7, लेकिन 5 7 कितना होता है 12, होता है कि नहीं। तो 12 हो जाएगा, और दो जोड़िए 8 4 कितना होता है 12, 6 6 भी तो 12 होता है, और 11 प्लस 1 12, 0 प्लस 12 तो 12। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको गुना करके दिया हुआ है, ई वाला जो है आपको एक्स के काम करेगा, ये वाई के। अगर इसमें गुना किया जाए तो 35 हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसमें 32 होगा, इसमें 36 होगा, इसमें 11 11 होगा, इसमें तो 0 हो जाएगा। अब देखिए, अधिकतम मान पूछा है तो सबसे ज़्यादा कौन है, 36। ऑप्शन कौन ए करेक्ट, मिटाने वाला हुआ है, उतारे। इतना मत करिएगा, देखिएगा एस वन हमेशा जोड़ा लेके आएगा, ठीक है। देखिए जोड़ा कैसे लेके आएगा, सोचिएगा, छो हमेशा डबल लेके आएगा। अगर छो छो लेते हैं तो 12 हो जाता है, आई ऑप्शन भी देखना है कि 12 होता है, अगर इसी के कर दीजिए 6 6 36, कोई अगर 5 7 तो भी 12 होता है, लेकिन 35 ऑप्शन में था नहीं था, इसलिए ऑप्शन 36 हो जाए। दो नंबर क्वेश्चन देखिए, दो नंबर क्वेश्चन है, यदि x और y धनात्मक वास्तविक संख्या है और x y बराबर 8 हो तो 2x प्लस y का न्यूनतम मान क्या होगा। यानी x y बराबर दिया हुआ है 8, इसमें न्यूनतम मान पूछा है, यानी 2x प्लस y का न्यूनतम मान क्या होगा। a में ऑप्शन है आपका 17 है, b में है, बी में 10 है, सी में है 8 और डी में है 9। कौन होगा देखिए, इसमें गुना करके तो 4 × 2 करेंगे तो 8 होगा, 1 × 8 करेंगे तो 8 होगा, 8 गुना के लगभग नहीं होगा। तो सर न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान तो यही है सबसे छोटा है ना, तो एक्स के काम ही बाई कम, तो एक्स के मान 1 रखेंगे तो 2 तो ये ना, आई 8 8 2 10, ऑप्शन बी करेक्ट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर तीन देखिएगा। तीन नंबर कहता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 1 हो तो 1 + a × 1 + b × 1 + c × 1 + d का अधिकतम मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा,
ऐसा मान सोचिए कि हल कैला के बाद एक आ जाए, अगर हम ये रख लेते हैं एक बटे चार ए के मान, बी के मान भी एक बटे चार रखते हैं, सी के मान एक बटे चार, डी के मान भी एक बटे चार, देखिए इसको हल करिएगा तो चार बटे चार आएगा, कट जाएगा तो कितना होगा ए, यानी एल एस एच बराबर आर एस एच आ गया। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ए के मान रखेंगे तो एक बटे चार, वन प्लस एक बटे चार, तो इसको करेंगे तो पाँच बटे चार हो जाएगा, इसमें भी पाँच बटे चार, इसमें भी पाँच बटे चार, इसमें भी पाँच बटे चार, इसमें हुआ, इसमें हुआ, इसमें, इसमें। अब देखिए कितने पाँच हैं, पाँच बटे चार, पाँच बटे चार, चार को है चार के पावर चढ़ा देंगे। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन आपका डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी क्वेश्चन तो सेकेंड मेथड से बनाते तो कैसे बनाते, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर था वन, उतना करने की कोई जरूरत, आई पूछल था ए प्लस कौन सी पूछ रहा था, वन प्लस ए इंटू वन प्लस बी इंटू वन प्लस सी इंटू वन प्लस डी पूछा था, है ना, इसका अधिकतम मान पूछा था। हम सब कुछ छोड़ करेंगे, इसमें पूरा के जोड़ेंगे तो एक दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, चार ही जुटेंगे, ये कितने जितना रहेगा उतने ही जोड़ना है और उतने पावर चढ़ाना है और उतने से ही भागा देना है। तो ध्यान दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जोड़ के कितना आया, चार, चार दे दिए, आई चार को है चार से भागा देंगे, आई सी पर पावर चार चढ़ाएंगे। तो ध्यान दीजिए ए बी सी डी का मान कितना है, वन, वन प्लस चार पाँच, लिख देते हैं पाँच बटे चार के पावर चार, आंसर आ गया। आगे देखिए, ऐसी बनाइएगा जल्दी बनेगा। क्वेश्चन नंबर पांच, क्वेश्चन नंबर पांच कहता है यदि ए बी सी और डी चार धनात्मक संख्या इस प्रकार है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर चार, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना देने हैं, चार दिया हुआ, तो वही ज्ञात करना है, ए प्लस वन बी प्लस वन सी प्लस वन और डी प्लस वन ज्ञात करें, इसका अधिकतम मान पूछा है, अधिकतम मान क्या होगा, तो वही ध्यान दीजिएगा, ई जोड़ के चार आएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चार जोड़ दिए, चार से भागा दिए, चार ए चार का पावर चढ़ा देंगे, ए बी सी डी का मान कितना, चार, चार चार आठ बट्टे चार, इस पर पावर चार, काटेंगे दो कितना हो जाएगा, सोलह, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है यदि आर एस कोई वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि जीरो से, जीरो से छोटा या बराबर कर सकते हैं, यानी आर प्लस एस बराबर वन दिया हुआ है, तो एक कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा, एक बटे दो अगर इसमें रखते हैं, आर के मान एक बटे दो रखते हैं, एस के मान भी एक बटे दो रखते हैं, तो देखिए हल करिएगा, लसा लीजिएगा तो वन प्लस वन यानी दो बटे दो आपका एक आ गया। पूछा है क्या, पूछा है आर इंटू एस, तो आर के मान एक बटे दो, एस के मान एक बटे दो यानी एक बटे चार, ऑप्शन नंबर आपको आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सात, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर तेरह हो तो x माइनस टू वाई प्लस वन और जेड माइनस थ्री, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर तेरह दिया हुआ, इधर दिया हुआ है x माइनस टू और वाई प्लस वन और जेड माइनस थ्री दिया, देखिए इसको जोड़िए तीन दो पाँच, पाँच में से एक गया चार माइनस चार, तो इसमें वही करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस फोर, लेकिन इसको बटा तीन करेंगे क्योंकि तीन गुना है तीन, और तीन का पावर चढ़ाएंगे,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड के मान 13 दे ले, 13 लिखेंगे माइनस 4 लिखेंगे बटे 3, इसके पावर 3, 9 हो जाएगा, 3 3 आए 9, तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा आंसर। आपका आंसर आ जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 21 हो तो x माइनस 6 वाई प्लस 7 और जेड माइनस 4 का अधिकतम मान क्या होगा। यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है x माइनस 6 दिया हुआ है और y प्लस 7 और z माइनस 4 दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, इसको जोड़िए, 6 4 10 में से गया, माइनस 3 होगा बचेगा, तो वही क्रिया करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 करेंगे और बटे 3, तीन हुआ है ना, इसमें पावर 3। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड के मान कितना दिया हुआ, 12 दिया हुआ है ना, तो 12 आप रख दीजिए, 12 में से गया 3 गया तो कितना बचेगा, 9 बटे 3, इसके पावर 3, 3 3 आए 9, 3 का क्यू 27 आता है, ऑप्शन देता है, गलती हो गया होगा कजन, गलती घटा बन होगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 रखेंगे तो 9, यहाँ जोड़े में गलती नहीं हुई, 6 4 10 में से 7 गया माइनस 3, ठीक तो है, सॉरी 21 दिया हुआ है जी, ये आपका 21 दिया हुआ, गलती हम कर दिए, तो 21 घटेगा, यहाँ तो 3 रहेगा, इसका मान 21 दिया हुआ है, 21 में से गया 3 तो 18, तो 3 6 18, 18 बटे 3, तो 3 6 18 यानी 6 का क्यू करेंगे तो 216, आपका आंसर आ जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ए माइनस 7 इंटू बी माइनस 10 इंटू सी माइनस 12 बराबर 1000 दिया हुआ, तो ए प्लस बी प्लस सी का न्यूनतम मान क्या होगा। देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी का न्यूनतम मान, ध्यान दीजिएगा, पहले हम सबको ये दिया हुआ रहता था, अब यही दिया हुआ है, इसको मान निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, कितने हैं 3 गो, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ जोड़ेंगे, जोड़िए 22 और 22 7 29 माइनस देंगे, अब बटे में कितने को कहे 3 है तो 3 देंगे, इसके पावर 3 चढ़ाएंगे, बराबर में 1000 दिया हुआ दे दीजिए, उधर जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस 29 बटे 3 घन में हो जाएगा, 10 के हो जाएगा ना, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, छोटा बड़े 10 लिख देते हैं, अब देखिए दती है 30, ये माइनस उधर गया था प्लस हो गया, यानी ए प्लस बी प्लस सी के मान आ गए 59, 30 हुआ ना, 29 जोड़ दीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यदि x, y दो धनात्मक संख्या इस प्रकार है कि x प्लस वाई बराबर 1 हो, तब यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो 1 हो, तब x प्लस 1 बटे x के होल स्क्वायर प्लस ए x प्लस 1 बटे सॉरी यहाँ वाई है के होल स्क्वायर, इसका मान निकालना है, न्यूनतम मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, x के मान रखेंगे 1 बटे 2, इसका भी 1 बटे 2, हल उल करके आ जाएगा 1, तो इसमें देखिएगा 1 बटे 2, ये 2 तो ऊपर जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा 1 बटे 2 प्लस 2, तो देखिए 5 बटे 2, तो 5 बटे 2 के वर्ग करेंगे, 5 बटे 2 के इसको भी वर्ग करेंगे
तो 25/4 आ 25/4 यानी 50/4 यानी 12.5। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि ए बी सी डी बराबर 81 हो तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का न्यूनतम मान क्या होगा। यानी ए बी सी और डी के मान 81 दिया हुआ है। अब पूछा गया हमको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा। ए के मान रख लेते हैं 3, इसका मान भी 3 रखते हैं, इसका मान भी 3 3। देखिए 3 3 9 9 3 27 37 81 आ जाता है ना, तो वही मान इसमें रख दीजिए 12। आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 1 हो तो ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी का अधिकतम मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, अगर ए के मान 1/2 रखते थे वर्ग करेंगे तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 काट उठ के आ जाएगा 1। वही मान रख दीजिए, ए के मान कितना रखेंगे थे, ए के मान रखे थे 1/2 और बी के मान भी रखे थे, सी के मान और डी के मान भी रखे थे, तो 1/2 1/2 1/2 1/2 2 2 4 4 2 8 2 16 यानी 1/16। आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, 13। 13 नंबर कहता है यदि ए बी सी और डी चार धनात्मक वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि ए बी सी डी बराबर 1 है। ध्यान दीजिए ए बी सी और डी बराबर कितना है, 1 है, तो ए प्लस ए 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इंटू 1 प्लस डी का न्यूनतम मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा वही रखेंगे, एक बट्टे कितना रख लेते हैं, ए बी सी डी का मान रख लीजिए 1/2 रखते हैं तो होता है, सोचिए सोचिए, न्यूनतम मान क्या होगा। इसका मान अगर रखते हैं 1/2 नहीं होगा, मान कुछ भी रख सकते हैं, 0 रखते हैं तो 0 कर देगा, 0 तो होगा नहीं। एक मिनट, क्या रखें, एक एक रखते तो फिर भी आ ही जाएगा लगता है, 0 रखेंगे देखो, अगर 0 रखिएगा तो एक मान अगर 0 रखता है तो 0 कर देगा, तो एक तो होगा नहीं, एक ही रख देते हैं।
यानी ए बी सी और डी के मान एक रखते हैं, एक गुने एक गुने एक गुने एक करेंगे तो कितना हो जाएगा एक, इसमें रखते हैं दो हो गया, ये भी दो हो गया, ये भी दो हो गया, ये भी दो हो गया, दो दूनी 4 से 8 16 तो है जी। ऑप्शन में कौन, एन ऑप्शन था 4, बी में 1, सी में 16, डी में 18। आइए रहा ऑप्शन, ये सोचने की चीज है, ठीक है, सोचिएगा आ ही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/(x²+1-3) का न्यूनतम मान क्या होगा। देखिएगा, 0 रख लीजिए, एक्स बराबर 0 रखते हैं तो ये 0 हो गया, प्लस 1/(1) हो गया, -3 कट गया, -2 ऑप्शन दिया होगा इधर, यानी सी नंबर करेक्ट। बस आज के सेवा समाप्त यहीं करते हैं, अगला वीडियो कल होगा। समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, जरी शुरुआत है ना इसलिए।